नई सुबह के YouTube चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। अस्सलाम वालेकुम, नई सुबह इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोग्राम के ब्यूटी टिप्स के साथ मैं हूँ नादिया सबा। आपने फेशियल के दौरान एक्सफोलिएशन प्रोसेस को एक्सपीरियंस किया होगा, जिसमें स्क्रब्स के साथ पोर्स को डीपली क्लीन और डेड स्किन को रिमूव किया जाता है। और मार्केट में मिलने वाले डिफरेंट ब्रांड्स के स्क्रब्स की अगर इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक करें तो शुगर एज मेन इंग्रेडिएंट उस लिस्ट में शामिल होगी। ऑल्दो शुगर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल दूसरे कई प्रॉब्लम्स के साथ साथ स्किन के नेचुरल कोलेजन को डैमेज करता है, जिसकी वजह से स्किन सैगिंग या फिर स्किन लूज होना शुरू हो जाती है, लेकिन इसका टॉपिकल एप्लीकेशन स्किन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। इसके इस्तेमाल से पोर्स को डीपली क्लीन और स्किन को मॉइस्ट किया जाता है। और अगर इसके साथ कॉफी को शामिल कर दिया जाए तो कॉफी की एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज के साथ स्किन को नरिश किया जा सकता है, सन टैन रिमूव होता है और इन द रिजल्ट स्किन सॉफ्ट सपल रेडियंट एंड ग्लोइंग नजर आती है। इसलिए आज हम भी इन दोनों चीजों के इस्तेमाल से एक स्क्रब बनाएंगे और इसमें थोड़ी सी वेरिएशंस के साथ हम अपनी स्किन टाइप के हिसाब से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें चाहिए कॉफी 2 टीस्पून, ब्राउन या वाइट शुगर पिसी हुई 2 टीस्पून, ऑलिव ऑयल 1 टीस्पून। इसको बनाने का तरीका भी बहुत ही आसान है। सबसे पहले एक बोल लें और इसमें कॉफी और ब्राउन शुगर या वाइट शुगर जो भी आपके पास मौजूद हो इसको शामिल कर दें। ख्याल रखें कि शुगर अच्छी तरह पिसी हुई हो और इसको एक बार आप छान जरूर लें ताकि कोई भी ऐसा पार्टिकल इसमें मौजूद ना हो जिसकी वजह से आपकी स्किन इरिटेट हो। अब इन दोनों चीजों में आप ऑलिव ऑयल को शामिल कर दें और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करें। अगर आपको ये मिक्सर ड्राई फील हो तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल कर सकते हैं। अब तक का बनाया गया स्क्रब आप ड्राई, नॉर्मल और सेंसिटिव स्किन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप इसमें से ऑलिव ऑयल को स्किप कर सकते हैं और सादे पानी के साथ इस स्क्रब को कॉफी और शुगर को मिक्स करके बना सकते हैं। अब हमारा स्क्रब बिल्कुल रेडी है इस्तेमाल के लिए। और इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आप अपने फेस को अच्छी तरह वॉश करें। इसके बाद थोड़ा सा स्क्रब अपने हाथों पर लें और हाथों पर फैलाकर अपने चेहरे की स्किन पर अच्छी तरह अप्लाई करें और खास तौर पर अपनी नेक एरिया को भी जरूर कवर करें ताकि आपके फेस और नेक की स्किन बिल्कुल सेम टोन में हो। स्क्रब आपकी स्किन पर ड्राई नहीं होना चाहिए और इसके लिए आप अपने पास थोड़ा सा पानी किसी कप में रखें और हाथों को बार बार उससे गीला करके क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के साथ चेहरे पर मसाज करें। खास तौर पर अपने नोज के एरिया को जरूर कवर करें क्योंकि यहाँ पर ब्लैक हेड्स बहुत ज्यादा बन जाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन पर या आपके फेस पर कोई ऐसा एरिया है जहाँ पर डार्क टोन है या ब्लैक हेड्स हैं तो आप उसको फोकस कर सकते हैं। और इस तमाम मसाज को आपने बहुत हल्के हाथों से करना है और हाथों को बार बार गीले करते रहना है ताकि स्किन बिल्कुल इरिटेट ना हो। 8 से 10 मिनट के मसाज के बाद आप अपने फेस को सादे पानी से अच्छी तरह वॉश कर लें। एक्सफोलिएशन प्रोसेस में हमारी स्किन चूंकि डीपली क्लीन की जा रही होती है इसलिए पोर्स ओपन हो जाते हैं, सो मेक श्योर के प्रोसेस को एंड करने के बाद आप अपने पोर्स को भी दोबारा से क्लोज कर सकें। और इसके लिए आपको करना यह है कि सबसे पहले आप एक आइस क्यूब लें और इसको किसी भी कपड़े में कवर करके अपने स्किन पे हल्के हाथों से रब करें 5 मिनट के लिए ताकि आपके पोर्स दोबारा से श्रिंक हो जाएं। इसके अलावा आप ठंडे पानी के साथ भी अपना चेहरा धो सकते हैं और पोर्स को श्रिंक करने के लिए आप एलोवेरा जेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये प्रोसेस आप हफ्ते में एक बार कर सकते हैं अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा डैमेज है, बहुत ज्यादा ब्लैक हेड्स हैं या अनइवन टोन है, वरना 15 दिन के बाद एक दफा एक्सफोलिएशन का प्रोसेस स्किन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए काफी होता है। और सबसे आखिर में स्किन पर सनस्क्रीन का इस्तेमाल जरूर करें। तो ये तो थी आज की टिप। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह निगेबान। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए राब्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।